हेलो एवरीवन, मेरा नाम है स्वप्निल और आप देख रहे हैं ब्रिज द पावर हाउस। सो फ्रेंड्स, आज जो वीडियो है वो बहुत रिक्वेस्टेड है, बहुत टाइम से। मतलब मैंने जो मेरा चैनल का थर्ड वीडियो था, जो मेरे ये जो टैंक सेटअप है इसके बारे में जो मेकिंग था, उसमें मुझे उस वीडियो से लेकर आज तक मुझे काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि ये टैंक का बैकग्राउंड आपने कैसे बनाया है, किस तरीके से रखा है। हालांकि मैंने मटेरियल जो था, जो मैंने मटेरियल यूज़ करा है ये बैकग्राउंड के लिए, वो मैंने मटेरियल मेरे वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, वो आपको यहाँ लिंक मिल जाएगा यहाँ के ऊपर। सो आज मैं दिखाऊंगा कि उसको मेथड है, किस तरीके से वो अप्लाई किया जाए। तो मेरे पास में एक छोटा सा टैंक रखा हुआ है, तो वो छोटे टैंक में अप्लाई करके बताऊंगा। वो छोटे टैंक में बहुत जल्द एक नया प्रोजेक्ट लेके आने वाला हूँ, DIY चीप, जो सबसे सस्ते में प्लांटेड एक्वेरियम बन सकता है, वो एक प्रोजेक्ट आने वाला है बहुत ही जल्द। ये सेम टैंक में जो मैं अभी बनाने वाला हूँ, जो वीडियो में आने वाला है। सो आज का वीडियो देखते रहिए, एंड तक देखते रहिए। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अगर आपको पसंद आए तो तुरंत लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग को एक बात बताना चाहूँगा कि फाइनली एंड मेरे फर्स्ट 50 वीडियोस मेरे चैनल पे कंप्लीट हो चुके हैं। जो मेरा लास्ट वीडियो था वो 50th वीडियो था मेरे चैनल का। सो मुझे बहुत बहुत खुशी है कि आप लोगों के साथ में बेस्ट टू बेस्ट एंड ईजीएस्ट वे से आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस और बाकी सब जो भी कुछ है। एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप लोगों का सपोर्ट और आप लोगों का प्यार देखते हुए बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी एनकरेजमेंट मिलता है कि आप लोग मुझे बहुत ढेर सारा सपोर्ट कर रहे हैं, ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। सो कुछ चेंजेस आने वाले हैं अभी वीडियोस में। जैसे आप लोगों ने पहले देखा होगा कि जो वीडियोस आते थे उसमें एपिसोड वाइज मैं नंबर लिखता था, एंड जो डिस्क्रिप्टिव या इंफॉर्मेटिव एपिसोड्स होते थे उसको मैं सीरीज एपिसोड के नाम पे देता था, जिसमें आप लोगों ने अरवाना देखे होंगे या मेरा जो अरापाइमा था थिएटर उसके बारे में देखा होगा। तो अब ये सीरियल नंबर्स और सीरीज नंबर, एपिसोड नंबर, ये मैं कुछ भी नहीं डालने वाला हूँ अभी कोई भी इसमें, क्योंकि काफ़ी लोग ने मुझे कहा कि वो बहुत कंफ्यूजिंग है या फिर कुछ सर्च करने में प्रॉब्लम जाता है। तो आज के वीडियो से एक भी वीडियो में मतलब मैं एपिसोड नंबर नहीं डालने वाला हूँ। सो आई होप आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो ज़्यादा ना खींचते हुए आगे वीडियो को शुरू करते हैं, एंड आप एंजॉय कीजिए। सो फ्रेंड्स, आज का जो एपिसोड है वो जो मेकिंग है आज के टैंक की, ये वन ऑफ द स्टाइल है जो मैं फॉलो करता हूँ पर्सनली। उसमें दो तीन स्टाइल है। ये विनाइल को पेस्ट करने के लिए जो आज मैं मटेरियल यूज़ कर रहा हूँ वो ब्लैक विनाइल है, मैट ब्लैक है विनाइल। एंड इसमें जो मैंने यूज़ किया है वो मैंने एक्चुअली छोटा सा पॉट है तो वो कैरी कर सकते हैं कहीं कहीं, तो वो टैंक को मैंने कैरी करके उसमें पहले उसको पूरा अंदर बाहर से अच्छे से क्लीन कर लिया, अच्छे से वॉश कर लिया। एंड देन हल्का सा मैंने जो हैंड वॉश रहता है, हैंड वॉश को मैंने छोटे से बॉटल में उसको लेके शेक किया है, उसको पानी में डाल के हल्का सा, तो जैसे फोम उसमें क्रिएट होता है। फिर फोम मैंने वो पूरा हाथ में लेके उसको पूरे सरफेस में उसके लगा दिया, ताकि जो विनाइल का जो स्टिकर है वो पूरा एक साथ इवनली लगे, एंड वो आपको बहुत देर तक के आपका जो ग्लास का सरफेस है वो स्लिपर ही रहता है, तो वो पूरा अच्छे से स्टिक होने में आपको हेल्प करता है। सो ये वन ऑफ द मेथड है। इसमें मैंने जो ग्लास स्क्रैपर्स आते हैं या फिर जो विनाइल के जो स्क्रैपर्स आते हैं वो मैंने यूज़ नहीं किया है, जो जनरली लोग नहीं यूज़ कर पाते हैं, ये वन ऑफ द मेथड है। दूसरे मेथड में आप जो विनाइल के जो स्क्रैपर आता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो एक नीट एंड क्लीन वे में लगता है। इसमें जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि जो मैं मेथड अभी बता रहा हूँ आप लोगों को, वो उसमें एयर बबल्स आने के चांसेस है, बट वो भी आप अवॉइड कर सकते हैं अगर आप लोगों ने अच्छे से पेस्टिंग किया है, अच्छे से उसको वन वे साइड में अप्लाई आपने किया है तो। सो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं और आप एंजॉय कीजिए।